तकरीबन सभी लोगों को सुबह उठते ही चाय पीने की आदत होती है, एक कप चाय सुबह, उसके बाद शाम को, और इस बीच अगर सर दर्द हुआ या किसी से लंबी बात करनी हो, घर में कोई मेहमान आ जाए तो एक कप चाय तो हो ही जाती है। अरे मैं इस वीडियो में चाय पीने के नुकसान के बारे में नहीं बताने वाली हूँ, बल्कि आज मैं आपको एक नई चाय के बारे में बताने वाली हूँ। अच्छा चलो ये बताइए कि अब तक आपने कैसी चाय पी हुई है, दूध वाली, काली चाय, ग्रीन टी, लेमन टी, ब्लू टी या फिर गुड़हल के फूलों से बनी पिंक टी। क्या आपने कभी व्हाइट टी पी है? क्या हुआ, चौंकिए नहीं, व्हाइट टी भी होती है लेकिन ये दूध से नहीं बनती। अगर आपको भी व्हाइट टी के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो इस वीडियो को आखिर तक बिना स्किप किए हुए पूरा देखें, क्योंकि ये चाय हमारी किडनी के लिए फायदेमंद होती है। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल किडनी ट्रीटमेंट विदाउट डायलिसिस में, जहां आपको मिलेगी किडनी से जुड़ी सारी जानकारी बस एक क्लिक में। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो, और सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये व्हाइट टी होती क्या है। व्हाइट टी कैमेलिया सिनेंसिस प्लांट की पत्तियों से बनाई जाती है। इस चाय को बनाने के लिए कैमेलिया सिनेंसिस प्लांट की पत्तियों और इनके सफेद फूलों को उस समय तोड़ा जाता है जब इसमें ओस की बूंदे हों, और केवल उन्हीं पत्तियों को तोड़ा जाता है जो कि नर्म होती हैं। अगर इसकी पुरानी पत्तियों को तोड़ लिया जाए तो उस चाय का रंग सफेद की जगह काला पड़ जाएगा। वैसे आपको इन पत्तियों को खुद नहीं तोड़ना है, बल्कि आपको ये मार्केट में और ऑनलाइन आराम से मिल जाएंगी। चलिए अब जानते हैं कि सफेद चाय हमारी किडनी के लिए कैसे फायदेमंद है। तो सफेद चाय पीने का सबसे पहला फायदा ये है कि इससे डायबिटीज लेवल काबू में रहता है। व्हाइट टी में एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं जो कि इंसुलिन प्रतिरोध के खतरे को कम करने में मदद करते हैं। इसमें मौजूद प्राकृतिक गुण ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने में मदद करते हैं, साथ ही ये मसल्स में भी ग्लूकोज लेवल को बढ़ने नहीं देते। जिन लोगों की शुगर हाई रहती है उनको व्हाइट टी जरूर पीनी चाहिए, इससे शुगर लेवल बड़े आराम से काबू में आता है और आपकी किडनी को शुगर के खतरे से दूर रखता है। जब शुगर लेवल हाई रहता है तो इससे किडनी के फिल्टर्स डैमेज होने लगते हैं और फिर धीरे धीरे किडनी खराब हो जाती है। वैसे क्या आपको पता है कि व्हाइट टी लेने से बॉडी में आई सूजन भी दूर हो जाती है? दरअसल इस चाय में पॉलीफेनॉल्स की मात्रा काफी हाई होती है जो कि एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करती है। सफेद चाय का ये पोषक तत्व शरीर को ऑक्सीडेटिव नुकसान से बचाता है और सूजन को कम करने में काफी सहायता करता है। अगर बॉडी में लंबे समय तक सूजन रहे तो इसका असर किडनी पर पड़ने लगता है, क्योंकि शरीर में सूजन होने की वजह से काफी बार ब्लड में टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं। इतना ही नहीं, सूजन काफी बार यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से भी आ जाती है जो कि किडनी पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। तो ये था सफेद चाय पीने का दूसरा फायदा, और अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस चाय के तीसरे फायदे के बारे में। अगर आप दिल की समस्याओं से जूझ रहे हैं तो आपको एक बार सफेद चाय जरूर पीनी चाहिए। व्हाइट टी में फ्लेवोनॉइड होने के कारण ये हमारे दिल को स्वस्थ रखने में मदद करता है। फ्लेवोनॉइड हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मदद करता है, जिससे दिल की समस्याएं नहीं होती और फिर किडनी को भी नुकसान नहीं होता। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है कि अगर दिल की कोई भी समस्या हो जाए तो उससे किडनी पर बुरा असर पड़ने लगता है, और ठीक ऐसा ही किडनी में समस्या आने पर होता है। दोनों एक साथ ही काम करते हैं। चलिए अब बारी आती है ब्लड प्रेशर काबू करने की। जी हाँ, व्हाइट टी में मौजूद फ्लेवोनॉइड और पोटेशियम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। फ्लेवोनॉइड कोलेस्ट्रॉल को काबू करता है और पोटेशियम ब्लड फ्लो को ठीक करता है, और साथ ही सोडियम लेवल को कंट्रोल करता है, जिससे ब्लड प्रेशर काबू में आने लगता है। अब जब ब्लड प्रेशर काबू में आने लगता है तो इसका सीधा मतलब है कि आपकी किडनी स्वस्थ रहेगी, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर की समस्या डायबिटीज की तरह ही किडनी खराब होने का सबसे बड़ा कारण है। तो ये थे व्हाइट टी पीने के वो खास फायदे जिनसे रहती है किडनी एकदम फिट। तो अब आप आम चाय और ग्रीन टी से व्हाइट टी पर स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इसे पीने से किडनी ही नहीं बल्कि वजन भी कम होता है और स्किन भी अच्छी बनी रहती है। व्हाइट टी पीने के इतने सारे फायदे जानने के बाद आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्या किडनी रोगी इस चाय को, यानी कि व्हाइट टी को ले सकते हैं या नहीं। तो बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि नहीं, किडनी रोगी सफेद चाय को नहीं ले सकते। आप लोग सादी चाय जरूर ले सकते हैं, आप उसे दूध के बिना या दूध के साथ भी ले सकते हैं। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सबके साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सबके साथ वीडियो शेयर करें और किडनी को रखें फिट।
अब जाते जाते हमारे YouTube चैनल किडनी ट्रीटमेंट विदाउट डायलिसिस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब YT से जुड़ी सारी जानकारी आपको दी है तो एक सब्सक्राइब भी बनता ही है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।